उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में लगातार हो रही बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने के चलते नदी और नालों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसमें लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसी बीच हाथरस 24 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुल के ऊपर से बह रहे पानी के बीच से लोग किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग पुल के ऊपर से निकल रहे हैं। पुल के बीच मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा तो एक व्यक्ति बाइक से उतर गया और गिरते गिरते बच गया। आपको बता दें, यह पूरा मामला हाथरस जिले के गांव अलहेपुर का है। गांव के बाहर ही एक गंदा नाला स्थित है। यहां बीते 72 घंटों से लगातार हो रही बरसात और नाले की सफाई न होने के चलते नाले का पानी पुल के ऊपर से होकर बहने लगा। तेज बहाव के साथ पुल के ऊपर से बह रहे पानी ने ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर हैं। वीडियो में दिख रहा है यह पुल दर्जनों गांव को आपस से जोड़ता है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ककोड़ी के। ककोड़ी, ये जो पुल के ऊपर से पानी होकर निकल रहा है, ये कितने दिनों से निकल रहा है? ग्रामीणों को किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? 4-5 दिन हो गए आज यही समस्या चल रही है, परेशानी देख रहे हैं। तो इसकी सूचना नहीं दी गई किसी को? बरसात में बन ही ना भैया, सूचना या जाम है कहाँ पर? लेकिन आप लोगों को निकलने आने जाने में तो समस्या का तो सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ देख, जैसे जिस तरीके से देखा जा रहा है पुल के ऊपर से जिस रफ्तार से पानी निकल रहा है, इसमें कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है? हो सकता है, तो साइकिल चली गई है गांव की। अच्छा भाई, हो गई दो मोटरसाइकिल भी बह चुकी है? साइकिल साइकिल। अच्छा, साइकिल बह चुकी है। क्या नाम है आपका? केदार सिंह। कहाँ के निवासी हैं? अलहपुर। ये जो पुल के ऊपर से जो पानी निकल रहा है, ये कब से निकल रहा है और क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? 4 दिन है, रास्ता बंद पड़ी है, सभी आदमी परेशान है। तो ग्रामीण किस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं? घूम के आ रहे हैं बेचारे दूसरे गाँव में। और अगर कोई इमरजेंसी या कोई जरूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है, तो अगर यहाँ कोई हादसा हो जाएगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार होगी। कौन होगी? तो इसकी सूचना किसी को दी नहीं गई कि यहाँ पानी ओवरफ्लो होकर निकल रहा है? वंदना भाई, तो देखो कहाँ जाए। तो एक बड़ी समस्या तो है ये, बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे चलाई जाएगा, बह जाएगा उसमें।